बारिश के चलते अंडर ब्रिज हुआ लबालब, वाहन चालकों व स्थानीय दुकानदारों को हो रही परेशानी। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां सोमवार सुबह से दो घंटे हुई तेज मूसलाधार बारिश के चलते पाली के सर्वोदय नगर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज पानी से लबालब भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्रिज की दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें दूसरे लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। बारिश के चलते हर साल यही देखने को मिलता है, कई बार पानी भरा होने के चलते वाहन बंद हो जाते हैं तो कई बार वाहन चालक चोटिल भी हुए। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि हर बार इसमें यही हाल होता है, हमने इसकी सूचना कई बार कलेक्टर और नगर परिषद को भी दी, लेकिन किसी भी तरह की कोई समाधान नहीं निकलता। ये जो आपके अंडर ब्रिज में पानी भर गया, उसको लेकर क्या समस्या आ रही है और आपने आगे क्या किया? समस्या तो जब से बढ़ा है समस्या ही आ रही है, आम पब्लिक को समस्या है, यहाँ दुकानदार परेशान है, धंधा नहीं कर पा रहा है महंगी वाड़ी के कारण, हर चीज समस्या है। इसको लेकर आपने कभी प्रशासन को अवगत कराया? सब हो गया, प्रशासन रेलवे अधिकारी आ गए, बड़े सब बड़े बड़े अधिकारी आ गए हैं, पर कोई समस्या नहीं। समस्या बरसात आएगी, समस्या होगी तो ये तो अभी जैसे दो महीने बारिश आ गई तो ऐसे कैसे समस्या, ऐसे कैसे रहेगा? आप अभी परेशान हो गए, देखो सब सब नेता ही गया, सब नेता ही खपकी हटे तो निर्वाण नहीं की हटे कोई चीज़ रो, तो ये प्रशासन या रेलवे कोई भी काम नहीं कर, कोई काम की नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती इधर। इससे आपको क्या समस्या हो रही है? हफ्ते भर में गया, ये तो दुकानदार परेशान है, सब सब जगह कलेक्टर को लेटर दे दिया, सब नोट दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं है इधर की। जो देखो हमारे दुकान में पानी चला जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमी चंद